हाय गाइस वेलकम बैक टू माय टूब चैनल नेचुरल ब्यूटी हेयर चर्म मैं हूं सीमा आप लोग के साथ में मैं अपने चैनल पर कर रही हूं सबसे बिगेस्ट चैलेंज यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम आप लोग के साथ में वन ईयर हेयर ग्रोथ का चैलेंज हमारे चैनल पर चल रहा है और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे तो मैंने आप लोग के साथ में ऑयल शेयर कर दिया है और आपका हेयर टोनर शेयर कर दिया है और हेयर सिरम शेयर कर दिया है इन सभी की मैंने वन मंथ की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है आप उसमें आराम से देख सकते हैं वन ईयर हेयर ग्रोथ का जो चैलेंज है उसमें हम आपके साथ में एट पार्ट में एट रेमेडी शेयर करने वाले हैं ठीक है उसके बाद से आप लोगों को इसमें एप्लीकेशन कैसे कब क्या चीजें लगानी है वो मैं अपने डेली ब्लॉग में डाल रही हूँ सीमा ब्लॉग ठीक है तो आप लोग उसको वॉच जरूर करें जिससे आप लोगों को पता लगेगा कि कब कौन सी चीज़ कैसे यूज करनी ठीक है।, है तो आप लोगों को उस चैनल को सब्सक्राइब करना है जो सीमा ब्लॉग नाम से है ठीक तो वहाँ पर हमारा थर्ड डे का एप्लीकेशन हो चुका है तो आप लोग उसको जरूर देखें मैंने कम्युनिटी पर डाल दिया है आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करें ठीक है तो आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आएंगी कैसे बनानी है और कैसे यूज़ करनी है क्या चीज़ें हैं ठीक है दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोगों के लिए मैंने वन ईयर की हेयर ग्रोथ चैलेंज में जो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है आप लोग उनको परचेज कर सकते हैं ठीक है लिंक प्रोवाइड करा दी है दूसरी चीज़ ये कि पूरे एक साल के चैलेंज में आपका जो है हम क्लिनिक प्लस शैम्पू का यूज़ करने वाले हैं एग प्रोटीन क्लिनिक प्लस एग प्रोटीन शैम्पू बहुत बेहतरीन है आप लोग यूज़ कीजिए इसके रिज़ल्ट बहुत आसान ठीक है दूसरी चीज़ ये कि अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नया है तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू सो मच आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और ज्वाइन किया कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं ठीक है डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और आपको आंसर कर दिया जाएगा दूसरी चीज़ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप वीडियोस को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ कब शुरू हो रही है और क्या चीज़ कब खत्म हो रही है अगर आपने रेमेडीज़ देखी फिर उसके बाद आपको नहीं समझ में आएगा है ना इसलिए अगर आप चैलेंज को कर रहे हैं तो पूरी वीडियो देखिए अपने बालों को लंबा घना मोटा बनाने का इस अवसर को मत हटाइए मत खोइए नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे और अगर पार्टिसिपेट कर रही हैं तो मैसेज जरूर डालें कि हाँ दीदी हम कर रहे हैं बहुत सारे लोगों ने मेरा ऑयल बनाया है वन ईयर हेयर ग्रोथ का बहुत असम रिजल्ट आ रहे हैं हेयर फॉल ना मात्र का हो रहा है चोटी की थिकनेस बहुत अच्छी होना शुरू हो गई है ठीक है दूसरी चीज ये कि आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ होममेड आपका फेन्यू ग्रीक हेयर शैम्पू ये आपके बालों से डेंड्रव की समस्या को दूर करेगा ऑयली स्कैल्प की जो समस्या है उसको दूर आपके बालों में डेंड्रफ की समस्या है उसको दूर करेगा ड्राइनेस को बहुत ही दूर करेगा फ्लेकी स्किन हो जाती है स्कैल्प हो जाती है उसको ठीक करेगा ठीक है रिग्रोथ करेगा और बालों की जो ग्रोथ होती है उसको बूस्ट करेगा फैनिग्री का होम मेड शैम्पू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है वो दे ठीक है उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे चैनल पर चल रहा है वन ईयर का हेयर ग्रोथ चैलेंज जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें और आप मुझे मैसेज करें और जहां नहीं समझ में आ रहा सिर्फ वही मैसेज करें कि दीदी -दी, हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो ये आप बता दीजिए विंटर के टाइम में देसी घी का प्रयोग नहीं करें और ना ही कोकोनट ऑयल का प्रयोग करें ठीक है चलिए देख लेते हैं कि हमारा जो शैंपू है इसको कैसे प्रिपेयर करना उसके बाद में मिलती हूँ सो so गाइज़ यहाँ पर इस हेयर शैम्पू को बनाने के लिए हमें चाहिए आपका पानी तो हमें पानी चाहिए आधा ग्लास या एक ग्लास के करीब मेरे बाल बड़े हैं तो मुझे ज़्यादा शैम्पू लगता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ तो आप यहाँ पर इसको शैम्पू को बनाकर पंद्रह दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं ठीक है तो मैं हफ़्ते में तीन बार वॉश बालों को वॉश करती हूँ तो मेरा तीन बार में ये शैम्पू ख़त्म हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको लेना है एक गिलास पानी ठीक है उसके बाद पानी जैसे ही बॉईल होने लगेगा तो हम इसमें ऐड करेंगे फैन्यूग्रीक का पाउडर मेथी दाना होता है मेथी दाने का पाउडर आप घर पे बना सकते हैं उसको हल्का सा आप कढ़ाई में डाल करके गरम कर लीजिए गर्म करने के बाद उसको आप ठंडा कर लीजिए ठीक है ठंडा करने के बाद उसको आप ग्राइंडर में डाल करके पीस लीजिए पीसने के बाद से आप उसका शैम्पू बना सकते हैं घर में ठीक है तो मैं आप लोग को यहाँ पर बता रही हूँ कि किस तरीके से प्रोसेस करना है तो आप लोग को समझ में भी आ जाए और आप लोग उसको अच्छी तरीके से बना भी लें ठीक है तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मेथी का पाउडर तो ये मेथी का पाउडर मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ है ठीक है आप लोग चाहें तो घर में भी मेथी के पाउडर को घर पे बना सकते हैं जैसे मैंने बताया और बिल्कुल पीसने के बाद सेम ऐसे ही बन जाता है ठीक है सो so गाइज यहाँ पर अब मैं डाल रही हूं आपका वन टेबल स्पून के करीब मेथी का पाउडर ठीक है मेथी का पाउडर डालने के बाद से अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है और लो फ्लेम पे ही आपको मेथी का पाउडर डालना है क्योंकि मेथी आपकी जो है अगर आप मेथी का पाउडर डालते हैं बहुत गर्म में तो ये बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और जितनी भी मेथी पाउडर है उनके लम्स जो है ना मतलब गांठे पड़ जाएंगी तो आपका शैम्पू बहुत बेहतरीन नहीं बनेगा तो इसलिए आपको लो फ्लेम पर धीरे धीरे इसको घोल लेना है ठीक है ऐसा नहीं करना है कि आप ठंडे पानी में घोल लें फिर उसके बाद पानी को गैस पर चढ़ाएं ऐसा मत करिएगा जैसा बता रही हूँ सेम वैसे ही करना पानी सा गर्म होने लगे उसके बाद मेथी का एक चम्मच पाउडर लीजिए और आप इसमें डाल दीजिए पानी पानी के के अंदर अंदर और उसको उसको धीरे धीरे आप मिक्स कर लीजिए ठीक ठीक है 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 तो जो चम्मच लगा हुआ है, उसको मैंने नाइफ से निकाल करके डाल दिया है। इस मेथी के पानी को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है दो से तीन मिनट के लिए पकाना है और बाद में जब आप इसमें इस, इसको ठंडा करेंगे तो ये ऑलरेडी गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल मार्केट जैसा शैम्पू जैसा हो जाएगा तो मैं पूरा प्रोसेस आप लोग को दिखा रही हूँ मैं इसमें कोई भी कटआउट नहीं कर रही हूँ फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है जैसा जैसे शूट किया है सिर्फ वही चीज़ मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग उसको अच्छे से सीख लें और अच्छे से इसको बना करके आप लोग उसको फॉलो कर सकें ठीक है तो आप देख सकते हैं कि धीरे 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 करके गाढ़ा हो गया है ठीक है तो हमें बस इसी तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए जब ये गाढ़ा होने लगे और आप देख रहे हैं ना इसमें झाग भी आना शुरू हो गया मेथी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ठीक है मेथी से आप अपने बालों की ग्रोथ भी कर सकते हैं आपके सर पे अगर बाल नहीं हैं आप बालों को घना भी कर सकते हैं बट पहले से बाल हैं और आप झड़ चुके हैं तो ही आपको फ़र्क करेंगी ये सारी रेमेडीज़ होम रेमेडीज़ ठीक है ऐसा नहीं है कि आपके सर पे सौ बाल हैं और आप उसको पाँच सौ कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है किसी के बालों की डेंसिटी बहुत अच्छी होती है किसी के बालों की डेंसिटी बहुत हल्की होती है अब आपने देखा होगा कि मेरे बालों की जो थिकनेस है चोटी की बहुत अच्छी हो गई है पहले से काफ़ी मोटी हो गई है ऑयल लगे हुए बाल हैं टोनर लगे हुए बाल हैं सिरम लगे हुए बाल हैं तो भी बहुत अच्छे घने मोटे लग रहे हैं है ना तो इसी आप लोग को मैं यहाँ पर चीज़ें जो बताती हूँ आप लोग उसको फॉलो करिए जिनके बाल मोटे घने थे वो हो जाएंगे फिर से तो यहाँ पर हमारा जो शैम्पू का कंसिस्टेंसी है आप देख सकते हैं इस तरीके से होनी चाहिए ठीक है उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आपका क्लिनिक प्लस का एग प्रोटीन शैम्पू बिलीव नहीं करेंगे आप कि इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद मुझे कोई क्लिनिक प्लस का दूसरा शैम्पू पसंद आया हो क्लिनिक प्लस का मिल्क प्रोटीन भी इसके आगे बिल्कुल फेल है और क्लिनिक प्लस का आलमंड ऑयल वाला शैम्पू भी मैं यूज़ करती हूँ अब मैं अपने लिए दो ही शैम्पू यूज कर रही हूँ क्लिनिक प्लस का मिल्क प्रोटीन वाला छोड़ दिया है मैंने क्लिनिक प्लस का आलमंड ऑयल शैम्पू यूज़ कर रही हूँ और क्लिनिक प्लस का एग प्रोटीन शैम्पू मैं यूज़ कर रही हूँ आपको गरम गरम ही इस मिक्सचर में शैम्पू ऐड करना है ऐड करने के बाद आप इसको एक बॉटल में या फिर आप एक किसी कंटेनर में भरकर रख दीजिए और जब आपको यूज़ करना है तब आप अपने पूरे बालों को अच्छे से गीला कर लीजिए और उसके बाद आप इस शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप इसको यूज़ करेंगे ठीक है तो आपको दो बार शैम्पू करना है अब आप लोग मेरे हेयर वॉश की वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को सभी चीज़ों के लिंक प्रोवाइड करा दूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा कंप्लीट हेयर वॉश की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है इस शैम्पू को आप ठंडियों में दस से बारह दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं मैं तो कहूँगी कि एक हफ्ते के लिए बनाइए इनफ है तो ये हमारा शैम्पू बनकर रेडी है तो चलिए फेस टू फेस बात करते हो छोटी पर ध्यान जरूर दीजिएगा मेरी सो so गाइज देखा आपने हमारा जो शैम्पू है बनकर रेडी हो चुका है इस शैम्पू को आपको अपने बालों में लगाना है और आपके बालों में कितना भी ऑयल क्यों ना हो वो बहुत ही इजी वे में निकल जाएगा जब भी हम शैम्पू करते हैं तो अपने बालों को अच्छे से आप कोम कर लीजिए म करने के बाद से आप अपने बालों को अच्छे से गीला कर लीजिए उसके बाद आप इस शैम्पू का प्रयोग करें शैम्पू को दो बार प्रयोग करेंगे तो आपके सारे बालों से ऑयल निकल जाएगा इजी वे में ठीक है इस शैम्पू को आप 10 दिन के लिए बनाकर रखें ज़्यादा दिन के लिए नहीं गर्मियों के टाइम में ये शैम्पू आपको एक दिन पहले बनाना है और दूसरे दिन आपको यूज़ करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप इसको बनाओगे तो हमने इसमें किसी भी प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं किया है जो इसको लॉन्ग टाइम तक सही रखें ठीक है तो इसीलिए इस शैम्पू का प्रयोग आपको जब करना है ठीक है तो आप इसको बनाइए एक दिन पहले और आप मॉर्निंग में इसको यूज कर लीजिए अभी आप इसको पंद्रह दिन के लिए बनाकर रख सकते हैं क्योंकि अभी ठंडियों का जो टाइम है अभी है तो ठंडियों में कोई चीज़ जल्दी खराब नहीं होती है ठीक है दूसरी चीज़ ये कि इस शैम्पू से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं पैन्यूग्रीक आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और आप लोग मेरे चैनल पर डेली विजिट में स्किन केयर और शॉर्ट वीडियो हेयर से रिलेटेड भी देख रहे होंगे और आप लोग सोचिए कि इतनी अच्छी अच्छी टिप्स मैं आप लोग को दे रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए ठीक है तो आप लोग अच्छे से करेंगे तभी चीज़ें आपको इफेक्ट करेंगी अगर आप नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे ठीक है दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अपने बालों में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए कौन सा तिल का तेल यूज़ करें तो आप तिल का तेल के लिए पतंजलि का तेल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बेस ऑयल में ऑलिव ऑयल ले सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है और यूज करना है ठीक है हमने अपने चैनल पर शेयर कर दिया है ऑयल आपका सिरम और आपका हेयर टोनर ठीक है तो वो आप लोग देखिए उसको प्रिपेयर कीजिए और यूज करने का तरीका हमारे सीमा ब्लॉग चैनल पर चल रहा है आप लोग वहां से वॉच करके अपनी सारी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं खुद से तो आज की वीडियो में बस इतना ही था वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय लव यू टेक कर अपना ख्याल रखिएगा बाय